हेलो एवरीवन। सो भाई, मेरे को पता है तुम लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए होगे कि भाई इस चैनल पे वीडियो कैसे आ गया। बट हाँ भाई, मेरे को जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने लास्ट वीडियो 2 महीने पहले डाली हुई थी। और ठीक है, मेरे को अभी थोड़ा सा ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, तो मैं सोचा भाई चलो देखते हैं क्या चल रहा है। तो हाँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और थोड़ा बातें करेंगे कि क्या चल रहा है और मैं कहाँ गायब था 2 महीने से, और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है अभी, मैं कर क्या रहा हूँ। तो देते हैं थोड़े से तुमको अपडेट्स और बताते हैं क्या चल रहा है और क्या मैं कर रहा हूँ फिलहाल। सो या लेट्स गो। तो यार, सीन कुछ ऐसा है ना कि ये DSA का कोर्स ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा स्विच हो गया था वेब डेवलपमेंट की तरफ। और एक्चुअली लव बब्बर भैया का ही एक वेब डेवलपमेंट का बूट कैंप चल रहा था मर्न स्टैक का, जो कि अभी लेटेस्ट में ही ख़त्म हुआ है, लाइक जुलाई जुलाई में ख़त्म हुआ है। तो नहीं, मेरा तो लेटेस्ट में ख़त्म हुआ है, भैया ने जुलाई में ख़त्म कर दिया था। तो ये कोर्स ख़त्म करने के बाद मैं प्रॉपरली पूरा शिफ्ट हो गया था ये वेब डेवलपमेंट के लिए, लाइक क्योंकि मेरे को थोड़े से प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे और अपना गिटअप और रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था। तो इसके लिए मैं प्रॉपरली पूरा शिफ्ट हो गया था, और मेरी समर इंटर्नशिप्स भी उस समय चालू हो गई थी, लाइक अप्रैल मई में मैंने ये कोर्स ख़त्म किया था, ये DSA वाला। और उसी समय जस्ट मेरे को DRDO से कॉल आ गया था, तो मैं समर इंटर्नशिप करने चला गया था DRDO में। तो वहाँ पे थोड़े से मैं क्वेश्चंस फॉलोअप कर लेता था, बट मेनली मेरा टारगेट रहता था ये वेब डेवलपमेंट को कंप्लीट करने का। सो हाँ, पूरी तरीके से मैं इसमें इंडल्स था और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए, अभी तो कुछ प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। और ये ख़त्म करके अभी मेरे को कुछ प्रोजेक्ट्स करके हुए ही हैं, और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स और बिल्ड करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा गिटअप और ये रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रांग हो पाए। बाकी इधर वेब डेवलपमेंट ख़त्म करके मैं अब सोच रहा हूँ कि यार ये DSA का अपना फिर से स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने शुरू किया जाए, क्योंकि लीड कोड वगैरह बहुत थोड़े कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से मैं लास्ट कुछ 15-20 दिनों से कोडिंग निंजास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी लीड कोड तो कुछ दिनों से बंद ही है, कुछ दिन क्या मेरे को लग रहा है काफ़ी दिन हो गए, बट हाँ मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लस एक और चीज़ है कि लाइक बब्बर भैया का ही एक और कोर्स आ रहा है शायद DSA का ही, तो मैं सोच रहा हूँ इनरोल कर लूँ, उनके साथ ही क्वेश्चंस लगाता जाऊँगा क्वेश्चंस लगाता जाऊँगा ताकि एक फ्लो बना रहेगा, क्योंकि अभी मेरा 4th ईयर भी स्टार्ट हो गया है और उसमें साथ साथ में दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, हाँ मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो यार ये कोडिंग वाला पार्ट और ये थोड़ा सा अपना कॉलेज का जो पार्ट है उसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बट ठीक है कोई ना, मैनेज कर रहे हैं। ऑल्सो अभी ये वाला सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे को इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना रहेगा, तो मैं मोस्टली अभी तो वेब डेवलपमेंट से ही इंटर्नशिप्स वगैरह टारगेट करूँगा। सो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ कि अब पॉलिश कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट जो नेक्स्ट आएगा, लाइक ये 4-5 महीने बाद जो नेक्स्ट सीज़न आएगा ऐसे हायरिंग का, उसमें मैं अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। अभी तो टारगेट्स यही है कि इंटर्नशिप्स और अपना प्रोफाइल वगैरह बहुत स्ट्रांग कर लूँ, तो उसी पे काम चल रहा है। प्लस DSA एक बार कर चुका हूँ पूरा, बस अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही लगाने हैं, वेब डेव भी हो चुका है तो प्रोजेक्ट्स ही करने हैं, प्लस कॉलेज का वो चल ही रहा है। तो भाई काफ़ी हेक्टिक हो गया है सब कुछ, बट ठीक है मैनेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काम होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। और भाई चैनल पे भी वीडियोस काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे को यार आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या ही पोस्ट कर दूँ। आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई, जो है हो गया हो गया, ठीक है देखते हैं, कुछ ऐसा आइडिया आएगा तो कुछ बना देंगे। बट अभी मैं सोचा, अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं अभी सोचा कि यार कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ अपडेट देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे कि लाइक भाई नोट्स वोट्स भी अपलोड कर दो। और हाँ यार, जो नोट्स के लिए तुम लोग बोल रहे हो, वो जो बीच वाला पार्ट है ना, एक लाइक 46 लेक्चर्स तक का नोट्स यार मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि वो मैं घर पे ही किया था, तो वो कॉपी मेरे पास घर पे ही पड़ी रह गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्ट चला गया था चेन्नई। तो भाई वो मैं घर पे जाऊंगा तो उसका PDF बना के अपलोड कर दूंगा, अभी मेरे से मत बोलो भाई। और बस इतना ही है, बाकी सब चल रहा है ठीक है, और प्लेसमेंट सीजन्स भी आ चुके हैं, तो ठीक है भाई तुम लोग भी प्लेसमेंट की तैयारी करो, और जो अभी कॉलेज में एंट्री ले रहा है या फिर तुम लोग जो 1st या 2nd ईयर में हो, भाई करते रहो, ये सब करते रहो भाई, यही सबसे ज़िंदगी है ठीक है। तो हाँ बस ठीक है। और यार मेरे पास तो काफ़ी ऑप्शंस है, लाइक मेरे को थोड़ा गेट वेट पे भी शायद फोकस करना था, बट अभी मैं उतना फोकस कर नहीं रहा हूँ।
हाँ देखते हैं, लाइक मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कोडिंग वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट एक हद तक कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं नॉन टेक साइड भी हूँ, तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि मैं इस इधर भी शिफ्टेड रह सकता हूँ। या देखते हैं कि क्या होता है आगे, तो वो तो पता चलता रहेगा। बट हाँ अभी तो मैं पूरा इसी पे फोकस हूँ कि ये वेब वेब वगैरह हो गया मेरा, तो प्रोजेक्ट्स बना के रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर लूँ, और डीएसए के क्वेश्चन शुरू कर रहा मैं अभी, लाइक 4-5 दिनों में फिर से शुरू कर दूंगा। तो हाँ देखते हैं क्या होगा, बाकी ठीक है चल रहा है। या इतना ही था भाई आज के वीडियो के लिए, तो बताना भाई कि अगर तुमको भी कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं बना दूंगा। बाकी जो फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज में अभी एंटर कर रहे हैं, बता देना भाई तुमको अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना, मैं कोशिश करूँगा यार, मेरे को पता होगा तो मैं रिजॉल्व करवा दूंगा या फिर कर दूंगा, बाकी देखते हैं फिर। ठीक है तो ठीक है, दैट्स इट भाई आज के लिए, इतना ही। और कोशिश करूँगा यार फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस बनाता रहूँ, और अगर नहीं भी बन पाती है तो भाई सॉरी यार, अभी थोड़ा सा फ्री नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि अब वीडियोस थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रहें, और मैं सोचूँगा यार किस किस टॉपिक्स पे बनाना है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यार।